सूत जी बोले, एक दिन परमानंद से निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। बोली, गिरजानंदिनी स्कंदन माताओं में मनुष्य ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं, विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद रूपिणी आद्य प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय आप ही हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जिसे सदगति प्राप्त हो गई थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी हुई इस प्रकार की स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, तुम क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति विदुर इस समय कहाँ हैं? उनकी गति कैसे हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी, ना जाने वे किस गति को प्राप्त हुए। गिरजा बोली, बेटी तुम्हारे विदुंग नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्य का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरकों में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्या पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है, नाना प्रकार के केश उठा रहा है और वह दुष्ट वायु पीकर रहता है। वह सभी प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम किया और पुनः पूछा, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। कुशित बुद्धि वाले उस पापात्मा पति का किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है यह शीघ्र ही बताइए। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा को सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। वह ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कार्तिक का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बुरु तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बात जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्या पर्वत पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच
बिंदुक नाम का ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्ता छा गई। वह कर्तव्य कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अब अक्षय भक्षण सज्जनों से देश और दूषित वस्तुओं को दान में लेना यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराए घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था वह। पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग ही आनंद मानता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार से ही फंसा रहा और फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया। वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव और उस समय पिंध्या पर्वत पिशाच पर बना हुआ है। वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से युक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी कहते हैं, शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार के आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर नारद जी के प्रिय मित्र तुम्बरु बेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर चले गए। जहां वह पिशाच रहता था वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी ही विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कार्ती का गान करने वाले महाबली तुरंबुने ने अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध दिया। तदंतर तुम्बरु ने शिव पुराण की कथा वाचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान पर मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बरु विंध्या पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लिए लोभ से बहुत देवर्षि भी शीघ्र आ पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत एवं कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बरु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गुणगान आरंभ किया। पहली अर्थात विदेश्वर संहिता से लेकर सातवीं वायु संहिता तक महत्तम सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित विष्णु पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करने पर वे सभी श्रोता पुनः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग क्रांति गौर वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सभी प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्दासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देह होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण बल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती बल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार के दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ होकर प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित बड़ी शोभा पाने लगा।
तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया, उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए।